हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करते हैं लर्निंग लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जब भी आप पेमेंट स्लिप निकालते हो, क्या होता है, आपका पेमेंट स्लिप नहीं निकल पाता है। सारी स्लिप निकल जाते हैं लेकिन पेमेंट स्लिप में इशू आता है दोस्तों। तो जैसे कि एक ऑप्शन जहाँ से आप अधिकतर निकालते हो, सभी लोग निकालते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लास्ट में लिखा होता है प्रिंट रिसिप्ट। तो यहाँ से कई बार नहीं निकल पाता है, आपका यहाँ पर जाके टंग जाता है या फिर सर्वर वर्क यहाँ पर फेल हो जाती है, कुछ भी होता है लेकिन यहाँ से नहीं निकलता है। कई बार क्या होता है, बहुत काफ़ी कोशिश करने के बाद यहाँ से निकल जाता है लेकिन कभी कभार नहीं निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना दोस्तों, किस तरीके से आपको प्रिंट रिसिप्ट करना है, यहाँ पे पेमेंट जो रिसिप्ट कैसे आपको कस्टमर को देना है या फिर कैसे आप निकाल पाओगे खुद से, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको वापस इसी वेबसाइट पे आ जाना है और आप वापस से आपको न्यू पेज यहाँ पे खोल के आना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला था प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, या इस पर आपको नहीं क्लिक करना है। तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे चेक पेमेंट स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। तो सिंपली यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और सारी चीज़ यहाँ पे है, आपका रिफ्रेश नंबर, जो भी चीज़ें, स्टेटस भी शो कर रहा है कि आपका पेमेंट जो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पे चेक पेमेंट स्टेटस आपका अगर सक्सेस है, पेमेंट 100% डन हो गया है, आपको पता है, तो डायरेक्टली आप प्रिंट रिसिप्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों, सिंपली प्रिंट रिसिप्ट जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपको ध्यान देना है इसी ई पेमेंट पे क्लिक करना होता है। ई पेमेंट पे क्लिक करने के बाद मैं वापस से बताना चाहता हूँ, इसके बाद इसी पे क्लिक करने नीचे आएगा प्रिंट रिसिप्ट क्लिक करने के बाद, जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछा जाएगा और सैंपल यहाँ पे जो भी कैप्चर कोड दिख रहा है उसको फिल कर देना। उसके बाद गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। वापस से यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें फिल होकर आ गई है। और यहाँ पे सैंपल यहाँ पे छोटा सा गोला मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये ऐसे हो जाएगा, चेक कर देना है। देख सकते हो दोस्तों, चेक करते ही दोस्तों इस तरह से नीला सा बिंदु लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको कैप्चा कोड यहाँ पे वापस से फिल कर देना है। और उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक किए दोस्तों, आपके सामने आपका जो है पेमेंट स्लिप देख सकते हैं फाइनली आ चुका है। इसी तरीके से आपको करना है, जब भी यहाँ से प्रॉब्लम आए, जहाँ से आप टोटल फॉर्म प्रिंट आउट करें, वहाँ से अगर आपको रिसिप्ट नहीं मिल रही है पेमेंट का, तो आपको इस तरीके से आपको रिसिप्ट निकालना है जैसे मैंने बताया हुआ है दोस्तों। ऐसे निकालेंगे 110% यहाँ से निकल जाता है। कई बार होता है वहाँ से सर्वर की दोचा चलती है, नहीं निकल पाता है, तो EALA सर्वर से निकालेंगे तो 100% निकल जाती है दोस्तों। मैंने कई बार टेस्ट करा, इसलिए मैं आपको सोचा मैं वीडियो के माध्यम से बता दूं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ भाई परेशान होते हैं क्योंकि सारे के प्रिंट आउट निकल जाते हैं लेकिन यहाँ पे पेमेंट स्लिप नहीं निकल पाता है। तो इसी तरीके से आपको पेमेंट स्लिप भी निकाल लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल का आइकन को दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।